दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप मान लेते हो और अपने जीवन में अपनाते हो तो आप अपने जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयाँ हासिल कर सकते हो, सक्सेस पा सकते हो। तो वो है इस प्रकार से, ट्रेजर हाउस इज विद इन यू, लुक विद इन फॉर द आंसर टू योर हार्ट डिज़ायर। मतलब आप जो कुछ पाना चाहते हो, जो आपकी डिज़ायर्स है, जो आप चाहते हो और उसे पाना चाहते हो, तो वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, अपने आप अंदर से मिलेगा। आपको सबसे पहले अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि आप जो पाना चाहते हो वो आपको अपने मन में धारण करना पड़ेगा कि आपने वो पा लिया है और वो एक दिन सच में आप पा जाएंगे। हमारा दूसरी पॉइंट है, द ग्रेट सीक्रेट पजेस्ड बाय द ग्रेट मैन ऑफ ऑल द एजेस वाज द एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट एंड रिलीज द पावर ऑफ देयर सबकॉन्शियस माइंड। यू कैन डू दिस सेम। तो दुनिया के महान व्यक्तियों ने जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी शक्तियाँ उनके अंदर हैं, वो सब उन्हें उनके सबकॉन्शियस माइंड से मिली हैं। मतलब वो शक्तियाँ जो उन्होंने पाई हैं, वो उन्हें उन्हें अपने अवचेतन मन से मिली हैं। तो आप भी वो सब पा सकते हो। योर सबकॉन्शियस हैज़ द आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम्स। इफ़ यू सजेस्ट टू योर सबकॉन्शियस प्रायोर टू स्लीप, आई वॉन्ट टू गेट अप एट 6 AM, इट विल अवेकन यू एट द एक्सैक्ट द सेम टाइम। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो कुछ भी प्रॉब्लम अपनी बताओगे, आपको उस हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका सबकॉन्शियस माइंड देगा। अगर आप अपने माइंड को बोलते हो कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सुबह शार्प 6 बजे उठा देगा। उसी प्रकार अगर आपके जीवन में कुछ और प्रॉब्लम्स है या कुछ और चीज़ें हैं जिन पे आप अपनी विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो आप अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को वो सब बताओ। वो आपको कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा, अपितु आपके द्वारा बताई हुई बातों को मानेगा और उन्हें प्राप्त करने में शीघ्र प्रयत्न करने लग जाएगा। योर सबकॉन्शियस माइंड इज द बिल्डर ऑफ योर बॉडी एंड कैन हील यू। लुल योर सेल्फ टू स्लीप एवरी नाइट विथ द आइडिया ऑफ परफेक्ट हेल्थ, एंड योर सबकॉन्शियस बींग योर फेथफुल सर्वेंट विल ओबे यू। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से हर वो चीज़ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, हेल्थ अच्छी पाना चाहते हो, तो आपको हर दिन अपने सोने से पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा, आपके अवचेतन मन को बताना पड़ेगा कि आप तंदुरुस्त हो, आप बहुत ही हेल्दी हो। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस दिशा में लग जाएगा एक आज्ञाकारी नौकर की तरह और आपको बहुत हेल्दी बना देगा। आपको एक्ट्स उस प्रकार से करवाएगा, आपसे वो सब करवाएगा जिससे कि आप हेल्दी बन जाएं और आपको एक हेल्दी पर्सन में कन्वर्ट करवा देगा। एवरी थॉट इज़ अ कॉज एंड एवरी कंडीशन इज़ एन इफेक्ट। हर थॉट एक कॉज होता है और हर कंडीशन एक इफेक्ट होता है। तो आपको कंडीशंस पे ध्यान नहीं देना है, आपको हर कॉज पे ध्यान देना है। तो कॉज अगर किसी चीज़ का अच्छा हो तो कंडीशंस भी अच्छी होंगी, अगर कॉज बुरा होगा तो कंडीशंस भी बुरी होंगी। तो अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम्स को मिटाना चाहते हो तो उसके कॉज को मिटाओ, ना कि उनकी कंडीशंस को मिटाओ, क्योंकि कंडीशंस और भी बदतर होती जाएंगी। लेकिन अगर आपने कॉज ही मिटा दिया तो कंडीशन सुधरना चालू हो जाएंगी। और ये कोर्स कहीं किसी और चीज़ से नहीं, आपके थॉट्स से मिलेगा, आपके थॉट्स से बदलेगा। जैसे कि किसी खरपतवार को अगर आपको मिटाना है आपके खेतों से, आपकी फसल से, तो आप खरपतवार को
हंसी हंसी ऊपर से कितनी बार भी काटोगे हर बार वो नया उगाएगा, लेकिन अगर आप उनको जड़ से ही उखाड़ के फेंक दोगे तो वो दोबारा कभी नहीं उगेगा। इफ यू वॉन्ट टू राइट अ बुक, राइट अ वंडरफुल प्ले एंड गिव अ बेटर टॉक टू योर ऑडियंस, कन्वे द आइडिया लविंगली एंड फीलिंगली टू योर सबकॉन्शियस माइंड, इट विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। इसी प्रकार अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हो तो अपने तहे दिल से अपने ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए लिखो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताओ कि आप एक बुक लिख रहे हो जो कि आपकी ऑडियंस बहुत ही पसंद कर रही है, तो वाकई आप एक बहुत अच्छी किताब लिख पाओगे। यू आर लाइक ए कैप्टन नेविगेटिंग ए शिप, ही और सी मस्ट गिव द राइट ऑर्डर और द शिप इज व्रैक्ड। इन द सेम वे यू मस्ट गिव द राइट ऑर्डर्स, थॉट्स और इमेजेस टू योर सबकॉन्शियस माइंड विच कंट्रोल एंड गवर्न्स ऑल योर एक्सपीरियंसेस। जैसे कि किसी शिप को चलाने वाला कैप्टन ही वो शिप को असली में कंट्रोल करता है, बाकी उसके इंजन रूम में बैठे हुए लोग तो उसके ऑर्डर्स को बस मानते हैं और वही कार्य करते हैं, उसी दिशा में शिप को ले जाते हैं जिस दिशा में कैप्टन ले जाना चाहता है। उसी प्रकार से अगर आप भी अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड्स को वो सब ऑर्डर दो जो आप पाना चाहते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस दिशा में ले जाएगा, आपको वो सब हासिल करके देगा जो आप हासिल करना चाहते हो या पाना चाहते हो। नेवर यूज एक्सप्रेशंस एज आई कांट अफोर्ड इट और आई कांट डू दिस, योर सबकॉन्शियस माइंड टेक यू एट योर वर्ड्स, इट सीज टू इट दैट यू डू नॉट हैव द मनी और द एबिलिटी टू डू वाट यू वॉन्ट टू डू। अफन आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने दिमाग को ये कभी मत बोलो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी ये मत बताओ कि मैं ये नहीं खरीद सकता, मैं ये नहीं पा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अपितु आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलो कि मैं ये पा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मैं हर वो चीज़ हासिल कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। द लॉ ऑफ लाइफ, द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ, ए बिलीफ इज अ थॉट इन योर माइंड। डू नॉट बिलीव इन थिंग्स दैट विल हार्म और हर्ट यू, बिलीव इन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस टू हील, inspire, strengthen and prosper you according to your belief is it done unto you। लाइफ में आप वो सब हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, क्योंकि लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ। आप जो भी विश्वास करते हो आप वो सब पा सकते हो, इसलिए आप अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में विश्वास कीजिए, अच्छे अच्छे पाने की कोशिश कीजिए, अपने थॉट्स को हमेशा अच्छी दिशा में ले जाइए, अच्छे विचार लाइए अपने दिमाग में, आप वो सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी, अगर आप अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हो तो अपने विचारों को बदलो, अपने विचारों के माध्यम से आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।